हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी फैमिली मेंबर हम यहां पर बैठे हैं और आज हम करेंगे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, यानी कि बाबू का अकीका सेरेमनी, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है बाबू के अकीके सेरेमनी का व्लॉग। तो आज हम करेंगे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, जो भी बाबू को गेस्ट ने दिए थे उसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो फिर चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला गिफ्ट हम माँ ओपन कर रहे हैं, ये है हमारी मामू जान की साइड से, और इसमें है हाथ की बाली, बच्चों की हाथ की, ये हाथ का कंगन, हाथ की बाली, जो भी आप कहिए इसको, जो भी कहते हैं वो है। ये हमारी मामू जान की साइड से है। और ये है ड्रेस, ये है पहली ड्रेस मामू जान की साइड से, ये नीचे है इस तरह से, ये पहली ड्रेस, ये भी मामू जान की साइड से है, ये भी मामू जान की साइड से है, और ये भी मामू जान की साइड से है। तो मामू जान की साइड से चार ड्रेस है, और एक हाथ के कंगन थे, लड़ाक कंगन जो भी आप बोलिए, और ये है बेबी को कैरी करने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट ये हमें सबको अच्छा लगा। इसकी खास बात ये है इसके साथ ये दिया गया है, जैसे कि बेबी ने अगर सुसु कर दिया तो आप इससे हटाकर यहाँ पर दूसरा इसमें अटैच कर सकते हैं इस तरह से, और ये दूसरा भी, दूसरे में भी सुसु कर दिया तो आप दूसरा भी हटाकर किस जगह अटैच कर सकते हैं। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इससे बेबी को लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए, हमने मामू जान ने गिफ्ट दिखा दिया, अब हम नेक्स्ट गिफ्ट देखते हैं। एक और गिफ्ट है जो मामू जान की साइड से है, वो ये है जो मैं बताना उस टाइम पे भूल गई थी। ये एक और ड्रेस है जो मामू जान की साइड से है, और ये मामू जान की साइड से अप्पी के लिए है ये ड्रेस, ये सूट, ये अप्पी का सूट है जो मामू जान ने दिया है अप्पी को। हाँ, और मामू जान ने कैश भी दिया था बेबी को। और ये सेकेंड गिफ्ट है, ये अम्मी की फ्रेंड है, अम्मी की फ्रेंड ने ये बेबी को गिफ्ट दिया है डंगली, और ये भी, तो दो ड्रेसेस उन्होंने दिए हैं, दोनों बहुत ही क्यूट है। अब देखते हैं नेक्स्ट गिफ्ट, ये है जीजू की बहन की, नेक्स्ट गिफ्ट है जीजू की सिस्टर की तरफ से, जीजू की मुगोली सिस्टर है, उनकी साइड से ये गिफ्ट है बेबी के लिए, ये बाथ टॉवल है, उनकी तरफ से ये ड्रेस भी है, ये क्यूट सा ड्रेस आप देख सकते हैं, ये भी, और ये भी एक ड्रेस है। तो दो ड्रेस है उनकी साइड से, और ये है एक बाथ टॉवल। ये किसकी तरफ से था? तो नेक्स्ट गिफ्ट है, अब हम बताते हैं किसकी साइड से, ये कौन है, जीजू की कॉलेज फ्रेंड है सृष्टि, उनकी साइड से ये गिफ्ट है। नेक्स्ट ये भी ड्रेस है, ये देखिए क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस, बहुत सारी हमें नहीं आ सकती ये सारी ड्रेसेस, ये ड्रेसेस है, ये मिटन्स है, एंड ये क्या है, ये ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और ये भी है, और ये है टॉर्टोइज। सो ये हो गए जीजू की फ्रेंड की साइड से। नेक्स्ट गिफ्ट है दानिश के फ्रेंड की साइड से, दानिश के फ्रेंड साइड से ये है उसकी तरफ से, तो ये दो ड्रेसेस हैं जो दानिश के फ्रेंड की साइड से है, एक ये और एक ये भी डंगली है, और ये ड्रेस है, ये भी जीजू की फ्रेंड की साइड से है, जैद नाम है उनका, जो जीजू का फ्रेंड है वो उनकी दानिश है। ये बहुत ज्यादा, ये कुछ ज्यादा बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बट कोई बात नहीं। सना और अप्पी के ऑफिस के कलीग हैं, ये उनकी साइड से है, शशांक भैया। ओके, तो मैंने जैद का एक ड्रेस बताया था अभी, एक और ड्रेस है उनकी साइड से जो कि जीजू की फ्रेंड है, ये वाली ड्रेस भी उन्हीं की साइड से है। हमारे घर के पास हमारे एक अंकल है, ये उनकी साइड से, उनका नाम है टूटू, टूटू अंकल की साइड से, और फारूकी, फारूकी नाम है क्या नाम है, हाँ फारूकी नाम है, ये उनकी साइड से है। ये नादिर भाई, ये हमारे एक भैया है नादिर भाई, ये उनकी साइड से ये ड्रेस मेरी, और ये एक और ड्रेस है नादिर भाई की साइड से। तो ये दो ड्रेसेस हैं नादिर भाई की साइड से। हम रहते हैं फोर्थ फ्लोर पे, और हमारे जो ऊपर रहते हैं फिफ्थ फ्लोर, ये उनकी साइड से है, ये और नेट भी था और ब्लैंकेट भी था, और उनकी साइड से नेट भी था और ब्लैंकेट भी था, जो अभी पता नहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि घर मेसी मेसी बना हुआ है, तो इसलिए, तो ये उनकी साइड से है। तो ये है थर्ड फ्लोर, जो हमारे नीचे रहती है थर्ड फ्लोर पे, उनकी साइड से है ये ड्रेस, और उनकी साइड से है ये टॉय सेट। और ये हमारे घर, हमारे जो ऊपर रहती है, यहाँ इस वाले घर के ऊपर नहीं, जहाँ से मैं आई हूँ,
अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जो हमारे ऊपर आंटी रहती हैं उनके बेटे की साइड से, उनके बेटे यहाँ रहते हैं, उनका भी घर पास में ही है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, तो उनकी साइड से ये है। ये बेबी के फूफी की साइड से, यानी कि अप्पी की नंद, जीजू की अप्पी, उनकी साइड से है ये दो ड्रेस। तो ये दो ड्रेस है उनकी साइड से, ये एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस ये है, और उनकी साइड से एक और चीज है बाबू के लिए। तो ये बाबू के लिए कड़ा है, ये देखिए, ये बाबू के लिए सिल्वर की कड़ी है बाबू के फूफी की साइड से, और ये बाबू की फूफी की साइड से है, बाबू की मम्मी के लिए यानी कि अप्पी के लिए है ये, उनकी नंद की साइड से। और ये जीजू की ड्रेस है जो उनकी अप्पी की साइड से। तो ये सारा कुछ अप्पी के नंद की साइड से है, बाबू की फूफी की साइड से। अब बाबू के अंकल की साइड की ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, इसमें पूरा सेट था, इसका पूरा सेट था, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का सेट था। अप्पी वहां दिएगा नीचे आओ। तो बेबी के अंकल की साइड से, जो कि जीजू के भाई हैं, बड़े भैया, उनकी साइड से इस तरह का ये किट था, पूरा ड्रेस का पूरा किट था उनका, जो हमने निकाल कर बेबी को पहना दिया ऑलरेडी। तो ये ड्रेस थी, और उनके साइड से एक और ड्रेस है, ये एक ड्रेस ये है, और ये बेडिंग सेट दिया है। तो उन्हें कैश भी दिया है अप्पी को, कि अप्पी और जीजू दोनों अपने अपने लिए ड्रेस ले लें। और उनकी साइड से ये बेडिंग सेट भी है, जो कि ये काफी बड़ा है, तो मैं ये इसे ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। तो ये सारा कुछ बेबी के अंकल की साइड से है। अब मैं आपको दिखाती हूँ खुशी की साइड से क्या है। तो खुशी की साइड से ये कस्टमाइज किया हुआ बेबी के नेम का, इस पे लिखा है बेबी आहत, जो कि हमने बेबी का नाम रखा है। तो खुशी ने आहत नेम से कस्टमाइज करवाया है ड्रेस। इसके साथ ये मिटेंस है, इसके साथ ये मिटेंस है, सॉक्स है, सारा कुछ फुल ड्रेस है जो कि कस्टमाइज किया हुआ है। ये स्वेटर है, इस पे भी लिखा है बेबी आहत, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी विद मी ममा एंड पापा, ये अप्पी ने कस्टमाइज करवाया। और छोटे पापा छोटी मम्मी की साइड से बाबू के लिए भी ड्रेस है, दो ड्रेस है बाबू के लिए, और बाबू के लिए सिल्वर के कड़े भी हैं, एंड अप्पी के लिए और जीजू के लिए भी ड्रेस है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी कुछ अभी मिले हैं और कुछ कुछ चीजें मिल नहीं रही है, तो वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी इस वीडियो के। और ये क्यूट सा ड्रेस है, क्योंकि मेरी साइड से है बेबी के लिए, ये देखिए इस तरह से, ये छोटा सा टाई भी है इसमें, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ये ड्रेस। और सना के साइड से डंगली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये डंगली जो आपको दिख रहा है, ये क्यूट सा डंगली है, ये पता नहीं कैसे हो गया, किस तरह से हो गया, बट ये रह दो ना कोई बात नहीं ये पता नहीं अभी हो नहीं रहा है इसमें, लेकिन ये क्यूट सा डंगली है जो कि सना की साइड से है। और मेरी और सना की साइड से बाथ टब भी है, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो बाथ टब हमारी साइड से है। एंड जो पालना मैंने दिखाया, तो वो भाईजन की साइड से है बेबी के लिए। और अम्मी ने तो वैसे जब से बेबी हुआ है, तब से अम्मी ने रोज 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 वो ड्रेसेस पे ड्रेसेस ला ही रही है। ये अकीके के लिए स्पेशली अम्मी ने ये ड्रेस ली है, ये भी डंगली है। और अम्मी ने अप्पी को जो ड्रेस दी है, वो भी मैं दिखा रही हूँ, ये है अप्पी की ड्रेस जो अम्मी ने दी है, ये है कुर्ता, ये है पैंट, और ये है इसका दुपट्टा। उसकी अप्पी की ड्रेस थी उसी सेम कलर का, यहाँ पर अम्मी ने बेबी के लिए भी ड्रेस दिया, और सेम कलर का अम्मी ने जीजू को भी ड्रेस दिया है, इसी सेम कलर का उनका जीजू का भी टी शर्ट अम्मी ने लिया है। एक ड्रेस ये भी है जो अम्मी ने दिया है, सब सब कुछ है। और मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी ने स्पेशली कुछ अपनी नवासी के लिए स्टिच किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अप्पी को दी नीचे वाला चले दी। और ये बोट है जिसमें आप बेबी को कैरी कर सकते हैं, इस बोर्ड में छोटे बड़े कोई भी आराम से बेबी को कैरी कर सकते हैं, इस तरह से उन्हें कोई डर नहीं होगा बेबी गिरेगा या फिर कुछ भी, इस तरह कोई भी डर नहीं होगा। तो ये बोट है, एक बोट ये है, और भी एक बोट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बोट ये है, ये देखिए इस तरह से बेबी को आप कैरी कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा सेट है। ये देखिए ये है, इसके साथ ये स्वेडल है, ये देखिए इसके साथ ये स्वेडल भी है, और साथ में इसके साथ ये कुशन, बेबी के लिए ये कुशन भी है जो साइड में लगाकर आप बेबी को रख सकते हैं। और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि हमने बेबी को ऑलरेडी यूज करवा दिया है, जिसकी वजह से मैं वो सब आपको नहीं दिखा सकती हूँ। बहुत सारे गेस्ट ने कैश जो है वो दिए हैं, और उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे बहुत सारे लोग हैं, और अकीका में आपको पता है बहुत लोग थे, तो सामान जो है हमने इधर उधर सब एडजस्ट कर दिया, कहाँ पर किया अभी याद भी नहीं है कि हमने कहाँ पर क्या रखा है, तो बहुत कुछ हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में जो भी मुझे मिलेगा वो मैं ऐड कर दूंगी, ये किसके साइड से क्या, स्पेशली मैं छोटे आपा की साइड से तो ऐड कर ही दूंगी कि उन्होंने क्या दिया है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर कर रही हूँ एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वो दोनों।
सो छोटे अपन ने क्या दिया है वो मैंने बताया था कि लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी। तो ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस अप्पी को छोटे अपन ने दिया है, ये कुर्ता है और बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता सेट है। और इसके साथ ही जीजू को भी उन्होंने दिया है, बट जीजू वो लेकर अपने घर चले गए हैं इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको सिल्वर के कड़े दिख रहे हैं, ये छोटे अपन ने दिया है बाबू को। और वैसे तो बहुत सारी ड्रेसेस दी है उन्होंने बाबू को, बट ये ड्रेस है जो अकीके पे उन्होंने दी है। और आज है अप्पी की एनिवर्सरी, तो अप्पी ने जो कस्टमाइज करवाया था आहद के लिए ड्रेस वो हमने यहाँ पर पहना है। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी विद मी मम्मी एंड पापा। और उसके बाद फिर जीजू सरप्राइज के साथ यहाँ पे आ गए, हमें कुछ भी नहीं पता था कि जीजू आने वाले हैं। और जीजू ऑफिस से ही वो यहाँ पर कुछ देर के लिए सरप्राइज अप्पी को देने यहाँ आ गए और गिफ्ट और बुके के साथ। और आप देख सकते हैं अप्पी यहाँ पर कर रही हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। और अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है गिफ्ट में वो जीजू ने अप्पी को क्या दिया है। तो ये है वो गिफ्ट जो अप्पी को जीजू ने दिया है, ये है वो इयररिंग गोल्ड की। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।